नमस्कार दोस्तों, मैं अल्पेश जोशी स्वागत है एक बार फिर आपके बीच में एक नया इस तरह का टॉपिक लेके। दोस्तों, एक मेल हैंड है, इनका हाथ सिर्फ मैं आपको ये बताने के लिए लेके आया हूँ कि इनके हाथ में आप चिन्ह देखेंगे कितने अच्छे अच्छे बन रहे हैं, मतलब कितने भाग्यशाली चिन्ह हैं। सबसे पहले बता दूँ, आप इनके हाथ में एक देखेंगे कि सबसे अच्छी सूर्य रेखा जो जा रही है सन तक जा रही है, और यहाँ पर एक त्रिशूल का चिन्ह भी बन रहा है सूर्य पर्वत पर इस तरीके से, जो कभी भी मैंने बताया कि इतनी अच्छी प्रोमिनेंट सूर्य रेखा हो जिस तरीके से निम्न मंगल से निकल के जा रही है सूर्य तक। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब देती है बहुत बड़ी, ये व्यक्ति उच्च अधिकारी पोस्ट पे पहुंच जाता है। अपनी मेहनत तो करना पड़ती है व्यक्ति को, पर इनके हाथ में आप देखेंगे सूर्य रेखा को, यह रेखा एक काट भी रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है, क्योंकि ये त्रिशूल भी बना रही है साथ ही साथ, और एक मंगल से भारी मंगल से निकल के सूर्य रेखा सूर्य और शनि तक के बीच में जा रही है, जिसके कारण इनको बहुत ऊंचा पद मिल सकता है जीवन में। और कहीं ना कहीं इनको 27-28 साल के बाद इनकी लाइफ में सडनली ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, 25 साल के बाद इनको देखने को मिलेगी रफ्तार अपनी लाइफ में। उसके साथ साथ जब भी त्रिशूल चिन्ह सूर्य पर्वत पर बनता है, तो मैंने अक्सर देखा है कि व्यक्ति धार्मिक क्रियाओं में अधिकतर रहता है, धार्मिक कार्य करता है, कहीं ना कहीं समाज में भी प्रतिष्ठित रहता है, अच्छे पद पर, नाम दाम सब कुछ उस पर रहता है, पैसा इज्जत नाम शोहरत। इनकी जीवन रेखा पर थोड़ी ब्रेक है, जिसके कारण जीवन में तकलीफें भी ज़रूर आएंगी। कहीं ना कहीं इनको अप्रॉक्सीमेटली 48-50 तक इनको परेशानी परेशानी झेलनी पड़ेगी अपने जीवन में। उसके बाद एट द एज ऑफ लाइफ इनकी लाइफ में तब भी ट्रबल्स तो रहेंगी, पर तब भी बेटरमेंट इनको दिखेगा 55-54 के बाद इनकी लाइफ में। थोड़े माइंड को रिलीफ रखें, क्योंकि मस्तिष्क का बहुत डैमेज हो रही है, कहीं ना कहीं इस पर डिप बन रहे हैं, और स्टार्टिंग में भी बने हैं, जिसके कारण बचपन भी मानसिकता से दिख रहा है कि ग्रसित रहे हैं आप। उसके कारण अगर आप देखेंगे तो इनके हाथ में, मैं आपको सूर्य रेखा का मेन प्रभाव दिखाना चाह रहा था, और इनके हाथ में छोटी छोटी व्यापार रेखा है जो इनके अंदर वाक शक्ति, और कहीं ना कहीं चंद्र पे से भी बहुत सारी रेखाएं निकल रही है, जो कहीं ना कहीं धन के अवसर बनाएगी, बाहर से धन के योग बनेंगे, और कहीं ना कहीं बहुत धन कमाने के मौके मिलेंगे इनको इनको जीवन में, ये पक्का है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।